वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? सो दैट 1540 इज डिविजिबल बाई 4, 5 एंड 11। ये जो है लास्ट वाला हम लोग को डिजिट देखना है या तो फिर डिवाइड करके देखना है। लास्ट वाला डिजिट देखेंगे हम लोग, ये 40 है, 4 से डिवाइड हो रहा है। 5 से जिसमें 0 हो वो 5 से डिवाइड होगा या 5 होगा उससे भी डिवाइड होगा। 11 के लिए रूल है, 11 के लिए क्या रूल है कि हम लोग नंबरिंग करते हैं, पहले ऑड वाला को ऑड से ऐड करते हैं, फिर इवन वाला को इवन से ऑड करते हैं। हम लोग जैसे नंबर देते हैं, इस पर 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हम लोग जो है ऑड वाला को पहले डिवाइड करते हैं, प्लस करते हैं। तो 1 और 4 को डिवाइड प्लस करेंगे तो ये 5 होगा, फिर इवन वाला को 5 है जो ये 0 को, तो ये भी हो जाएगा। तो इसको ऑड वाला भाव फॉर्म है और ये इवन वाला है। तो इवन क्या है, 5 और 0 है तो 5 होगा। ये दोनों को हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, 5 5 तो ये 0 होगा। तो 0 होगा तो भी ये 11 से डिविजिबल माना जाएगा। तो हम लोग का क्या रूल है कि इसको जो है हम लोग को डिवाइड करके दिखाना है, शो करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग इसको डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं। पहले जैसे ये है तो हमको इसको 11 से डिवाइड करके दिखा सकते, देख सकते हैं क्या होगा। 11 वन जाए 11, ये बचेगा 4, ये 4 ऊपर से आएगा, ये 11 4 जा 44, ये भी गया ऊपर से, 0 आएगा, ये 1, ये 4, ये 0, ये रेडी हो गया। अब इसको हम लोग को देखना है 5 से, तो 5 के लिए क्या है, 5 3 जा 15, ये 4 आया, ये 0 है, 4 आया, 11 1 4 4 के लिए 5 3 जा 15, ये 4 ऊपर से लिए नीचे हम लोग नहीं जाएगा, फिर हम लोग ऊपर से ये 0 लाएंगे तो इसके लिए यहाँ 0 देंगे, 5 8 जा, ये भी 5 से डिवाइड हो गया। अब ये देखना है 4 से ये वाला डिवाइड, 4 8 जा 32, ये 2 0, 4 5 जा 20, ये सब डिवाइजेबल है, तो इसीलिए ये सब नंबर से डिवाइड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैच द कॉलम्स। तो ये हम लोग को मैच के लिए नंबर दिया हुआ है, कॉलम्स 1 में नंबर दिया गया है, कॉलम्स 2 में डिविजिबल बाई दिया हुआ है। तो 3 के लिए क्या रूल है, 3 के लिए हम लोग सब नंबर को ऐड करके देखते हैं, जो ए वाला में है इसको हम लोग देखेंगे कि ऐड हो रहा है कि नहीं ये। उसके बाद 5 के लिए क्या है, 0 5 0 से है, ये 5 से सब नंबर डिवाइड हो सकता है। फिर 11 के लिए क्या रूल है, 11 के लिए हम लोग यहाँ बनाए हैं, 11 के लिए है कि ऑड इवन पर ऑप्शन आता है, ऑड को अलग करेंगे, इवन को अलग करेंगे, जो आएगा उसको माइनस करेंगे, उसमें 0 0 आना चाहिए तो 11 से डिवाइड हो सकता है। तो हम लोग इसको देखना है कि क्या क्या करना है, 3 से कौन सा हो रहा है डिवाइड, तो 3 से हम लोग देखना है कि डिवाइड क्या हो सकता है। तो 1 1 2 होगा, 0 होगा, ये 3 से नहीं हो पाएगा। उसके बाद 5 3 8 8 8 और 3, ये भी नहीं डिवाइड होगा, तो हम इससे भी नहीं होगा। तो 3 से हम लोग को डिवाइड सिर्फ 5 3 8 और 1 9, ये 3 से एक ही नंबर डिवाइड हो सकता है। तो हम लोग ये फर्स्ट का सी होगा। अब हम लोग को देखना है कि सेकेंड का क्या होगा। तो सेकेंड के लिए दिख रहा है कि सब नंबर से डिवाइड हो, इसलिए कि सब में 0 5 है, 0 5 जिसमें हो तो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 सबसे डिवाइड हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसको दोनों नंबर को हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये दोनों नंबर से ये डिवाइड संभव है, दोनों ये 5 जो है सभी नंबर से ये डिवाइड हो सकता है, ये तीनों से हो सकता है। अब 11 के लिए क्या रूल है, 11 के लिए हम लोग ऑड इवन देख रहे हैं, तो 11 के लिए ये भी नंबर है जो डिवाइड हो सकता है, 1 1 0 है, 11 10 जा हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग को देखना है कि और कोई नहीं है, तो हम लोग का ये 11 वाला ये ए होगा, ये 3 का है, इसीलिए ये सही है। मुझे आशा है कि मैं समझाया हूँ, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।